हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आप देख रहे हैं शेमानी पूरी चैनल। आज हम बनाएंगे बेसिक कबाब। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने कैबेज लिया 300 ग्राम, कॉलीफ्लावर 300 ग्राम, ग्रीन पीस 100 ग्राम, कैरेट 300 ग्राम, बीन्स 100 ग्राम। सबसे पहले हम बीन्स को चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप। आप भी ऐसे ही चॉप कर लें। अब हमारी बीन्स चॉप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप भी चॉप कर लें। अब हम ग्रीन पीस को ग्राइंड करेंगे, क्रैश ग्राइंड। बस इसका टुकड़ा करेंगे, आप भी ऐसे कर लीजिए। अब हम सारी वेजिटेबल जो भी है, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर को ग्रेट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं कैरेट को ग्रेट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही ग्रेट कर लें। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मैं बॉयल करके नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कच्चा बना रहा हूँ। मैं इसे टोस्ट करके बनाऊँगा कढ़ाई में। आप भी ऐसे ही बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बॉयल करके हम नहीं बनाते हैं। अब कैबेज भी हम ग्रेट कर लेंगे ऐसे ही, जैसे हमने कैरेट को ग्रेट किया हुआ है। अब हम कॉलीफ्लावर भी ग्रेट कर लेंगे ऐसे ही। कॉलीफ्लावर ग्रेट करने के बाद हम इसको एक बाउल में रख लेंगे, उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे पूरा। एक मार्किन कपड़ा लिया है हमने, उसमें डाल दिया है वेजिटेबल को। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे अच्छे से। आप भी ऐसे पानी निकाल लें इसका। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बॉयल नहीं करना है। हमने इसको वॉश किया है, वॉश करने के बाद इसको ग्रेट किया डायरेक्ट, और टोस्ट करेंगे इसको हम कढ़ाई में या पैन में। आप किसी चीज़ में भी टोस्ट कर सकते हैं। हमने पूरा पानी निकाल लिया है अच्छे से। अब इसको एक बॉल में रख लेंगे। हमने एक बॉल में रख लिया अच्छे से। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें 50 ग्राम ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे एक टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ बीन्स, जो कि हमने चॉप करके रखा था। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। आप भी ऐसे चला लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन पीस, हरी मटर, जो कि हमने पानी निकाल लिया इसका भी। अब इसको डाल के भी हम अच्छे से चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल, जो कि हमने सब ग्रेट करके पानी निकाल के रखा हुआ है, सारी डाल देंगे। इसको भी चलाएंगे अच्छे से। एक टेबल स्पून वाइट सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून हमने टर्मरिक पाउडर ऐड किया, कश्मीरी चिल्ली 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, ग्रीन चिल्ली 1 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। आप भी ऐसे ही मिला लीजिए, भूंज लीजिए मतलब। अब हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। आप टेस्ट के अनुसार अपना टेस्ट कर लें सॉल्ट। अब आपको हम लगा के दिखाएंगे बेसिक कबाब। हमने थोड़ा सा पनीर लिया है, जो कि हमने ग्रेट कर लिया है। आप भी ग्रेट कर लें। अब हम इसमें डालेंगे
बेसिक जो कि हमने अभी बनाया है इसमें मिला लेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप इसमें कॉर्न फ्लावर नहीं डालिएगा। कॉर्न फ्लावर मुंह में लगता है, बहुत बेकार टेस्ट आता है उससे। आप इसमें ब्रेड क्रम ऐड करिएगा, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ ब्रेड क्रम, और थोड़ा सा ही डालिएगा, इससे आपकी सीख जो है सॉफ्ट रहती है। ज़्यादा डालने से बहुत टाइट हो जाती है सीख। थोड़ा सा डालिएगा इससे बहुत बढ़िया। अब इसको हम सरिया में लगा लेंगे अच्छे से। आप भी ऐसे ही लगा लीजिए जैसे हम लगा रहे हैं। एक बॉल में पानी रख लीजिए, हाथ में पानी लगाने से सीख बहुत बढ़िया लगती है। आप भी ऐसे ही लगा लें जैसे हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद आप हमारी सीख लग जाएगी तो हम इसको तंदूर में डालेंगे। हमारी सीख लग गई, अब हम इसको हम तंदूर में डाल रहे हैं। 3 से 4 मिनट एक साइड का पकाएंगे हम। अब हमारा 3 से 4 मिनट हो गया, हम दूसरी तरफ पलट के पकाएंगे इसको। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब दूसरी तरफ हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट और। अब हमारी सीख तैयार हो गई पक के। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको एक प्लेटर में लगा लेंगे, जैसे हम लोग पिकअप करते हैं रेस्टोरेंट में। ऐसे ही आप भी लगा लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने बिना बॉयल किए हुए सीख बनाया। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और कितनी सॉफ्ट सीख हुई। आप भी ऐसे ही बनाएं सीख।